सोनभद्र नरसंहार मामले में पीड़ितों का दर्द जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से वहां पर पहुंचे और जो लोग मारे गए उनके परिजनों को उन्होंने जमीन का पट्टा भी सौंपा है। सोनभद्र के उम्भा गांव में 17 जुलाई को हुए नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों के आंसू पहुंचने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आज एक बार फिर उम्भा गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनका हाल जाना और मारे गए लोगों के परिजनों को 7.5 बीघे जमीन का पट्टा सौंपा। सीएम ने मंच से उम्भा के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और विश्वास दिलाया कि सरकार उनके साथ है। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, मंच मिला। माइक मिलते ही सीएम ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की आजादी से इन गरीबों के साथ जो अन्याय 1952 और 55 के बीच में हुआ था और कांग्रेस की सरकारों में समय समय पर हुआ था, क्या उसके लिए वह यहां के गरीबों से माफी मांगने का कार्य करेगी और क्या वह उन लोगों को सजा दिलाने के लिए फिर से कहेगी जिन लोगों ने गरीबों का हक पर डकैती डालने का कार्य किया था। और यह तो एक उदाहरण है, ऐसे ढेर सारे उदाहरण आपके सोनभद्र और मिर्जापुर जनपद में भरे पड़े हैं। इससे पहले 21 जुलाई को सीएम योगी उम्भा गांव आए थे और पीड़ित परिवार को यह एहसास दिलाया था कि यूपी सरकार उनके साथ है। पीड़ित परिवार के आंसू पहुंचते हुए सीएम ने मुआवजा राशि भी बढ़ा दी। मुआवजा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 18.5 लाख रुपए कर दी। आज लगभग एक महीने के बाद सीएम फिर से सोनभद्र पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की और कांग्रेस के पापों को याद दिलाया। भाइयों बहनों याद करिए, 1952 से 55 के बीच में आपके हक को छीनने का कार्य कांग्रेस ने किया था और आज आपके हक को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में आई है, जिसको देने के लिए आज यहां पर इन लाभार्थियों को जो लगातार अपने हक के लिए लड़ते रहे, इनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। जो मालिक था उसे बधवा मजदूर बनाकर के रखने का कार्य पाप किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। इस दौरान सीएम ने 851 बीघे जमीन में से नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों को 7.5 बीघे जमीन का पट्टा सौंपा। साथ ही उम्भा, सफी और मूर्तिया गांव के 247 भूमिहीनों में भी 2.5 बीघे जमीन का पट्टा वितरित किया। इसके अलावा जिले में 340 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश के अंदर नीति आयोग ने प्रधानमंत्री जी के आदेश पर 115 ऐसे जिले चिन्हित किए जिन जिलों में लोगों में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि और जल संसाधन है, वहां पर वित्तीय रूप से स्वावलंबन की ओर नागरिकों को अग्रसर किया जा सके इस दिशा में और अन्य समग्र विकास की दिशा में जो एक व्यापक रूपरेखा तैयार होनी है। 17 जुलाई को सोनभद्र के उम्भा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर सैकड़ों लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे और विरोध करने पर 10 लोगों की लाशें बिछा दी थी, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच खूब जुबानी जंग देखने को मिली। प्रवीण पटेल, सोनभद्र, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।